महेंद्र सिंह धोनी सर जो है उनके साथ मेरा फोटो आप लोग देखने को मिल रहा होगा। खुद का बहुत बड़ा ये ड्रीम है कि मैं धोनी सर से मिलूं। तो अभी शहाबुद्दीन के साथ जो है बहुत ज्यादा मीटिंग चला हम लोग का। आप लोगों को मैं और गुड न्यूज देता हूं आज की इस ब्लॉग पे। हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। सो दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूं धनबाद, बहुत सारा काम है आज भी। सबसे पहले जाना है प्लॉट में, वहां पर पापा है, पापा को लेकर के जाना है आधार ऑफिस। आधार कार्ड में पापा का जो है मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना है क्योंकि काम है, और जब तक मोबाइल नंबर नहीं जाएगा तब तक ओटीपी वगैरह आता नहीं, ये पहला काम है। तो उसी बहाने वहाँ प्लॉट भी जाना है, पापा वहीं पे हैं उनको रिसीव करने, तो उसी बहाने आप लोगों को प्लॉट भी दिखा देंगे अभी कितना दूर क्या हुआ है। बाकी रास्ते में ही मेरा शॉप भी पड़ता है, जो दुकान बन रहा है वो भी देख लेंगे। तो काफ़ी सारा काम है, चलिए आप लोग को भी घुमाते हैं अपने साथ साथ, ठीक है। और डेली ब्लॉग करने की मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप लोग बोलते हो, बहुत कमेंट आता है कि आप रेगुलर ब्लॉग्स क्यों नहीं बनाते हो। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं, जो भी अपना लाइफस्टाइल चल रहा है, जहाँ जा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा आप लोगों को दिखाने के लिए। अभी अंकित आ रहा उधर से कार लेकर के। धूप बहुत है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ना शुरू हो रहा है धनबाद में। अभी तो चलिए थोड़ा नॉर्मल है, कुछ दिनों के बाद और ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी। तो आ रहा है अंकित, आने के बाद चलेंगे यहाँ से। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से, गर्मी बहुत है, रुक जाना थोड़ा सा। अभी आ चुके हैं अपने ठेकेदार के पास, बिल्डर के पास, एक पेपर लेना है CO से, जो वहाँ पर मैप ये किए हैं, अप्लाई करवाए थे सूर्या हाईलैंड के अंदर में। बन गया? हाँ लीजिए। दीजिए, कितना दिन बाद दिए बताइए। कितना दिन का जी, बना के रखा अपने ला बता देते हैं आप, आपको अपने फुर्सत है। अभी अपने दुकान को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं प्लॉट में, पहले पापा को वहाँ से लेना है आधार कार्ड सुधार के लिए। ये रहा, काम तो चल ही नहीं रहा, चल रहा खुला हुआ गेट। चलिए पहले प्लॉट में जाएंगे, उसके बाद फिर इधर रिटर्न आते टाइम घुसेंगे। तो दोस्तों, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अपने प्लॉट पे। धूप भाई इतना ज़्यादा है, कुछ दिन पहले ही ठंड का दिन था, है ना, एक डेढ़ महीना पहले। अब धीरे धीरे गर्मी और बढ़ रहा है, और बढ़ जाएगा। और अविनाश कब काम करवाएगा अपना पता नहीं। देखिए बोरिंग करवाया है, बोरिंग करवा के छोड़ ये भी घर वर बना देगा तो मेरा पड़ोसी बन जाएंगे हम लोग, दो यूट्यूबर एक साथ, तो अच्छा फील आएगा। उसका ज़मीन वैसे बड़ा है, उसका दो भाई, हम अकेले हैं, मेरा कोई भाई नहीं है, आपको नहीं पता था ना, आज बता देते हैं। अपना भाई नहीं है मतलब, बाकी है कजन ब्रदर तो बहुत सारा है, चाचा लोग। और अगर किसी को भाई बनना है तो घर आ जाइए, किसी को भाई बनना है तो आप लोग कमेंट कीजिए। इधर देखिए ढलाई हो गया ना पूरा, देखिए ये वाला ढलाई हो गया कंप्लीट। अब लग रहा है कि काम हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब इसमें गथनी होगा ईटा से उस तरह का। अरे वहाँ पानी को नहीं जम गया, देखिए टंकी तो अब समझ ही नहीं आ रहा, टंकी पूरा ढक गया, जाम तो हो ही गया ना, दो दिन हो गया ढलाई हुआ, यहाँ से वहाँ तक टंकी है। तो चलिए यहाँ से अब निकल रहे हैं, धूप बहुत है, पापा को लेके जाना है आधार ऑफिस, जहाँ पर सुधार होता है, आधार कार्ड नंबर रजिस्टर करवाना है। सो दोस्तों, अभी मैं प्लॉट से निकल करके जा रहा हूँ अभी दुकान पे, क्योंकि वहाँ पर एक और आए हैं गेस्ट जिनसे मिलना है मुझे, थोड़ा काम है, मीटिंग है। एंड मैं आप लोग बताना चाहूँगा, अभी एक फोटो देखिएगा यूट्यूब पे बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी सर जो है उनके साथ मेरा फोटो आप लोग देखने को मिल रहा होगा, कोई एक शॉर्ट्स चैनल है उन्होंने डाल दिया था, तो काफ़ी वायरल हो रहा है। मतलब किसी ने एडिट किया है, उसको एडिट करके इतना अच्छा बनाया कि एकदम रियल लग रहा है। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, मेरा खुद का बहुत बड़ा ये ड्रीम है कि मैं धोनी सर से मिलूँ। अब देखते हैं लाइफ में कब मिल पाते हैं। मेरे ब्लॉग्स वैसे झारखंड में काफ़ी लोग देखते हो, देखो अगर कोई पैरवीर भी लगा सकते हो, मिलवा सकते हो, तो यार किसी का अगर ऐसा पहुँच है तो एक बार मिला तो एकदम ड्रीम ही पूरा हो जाएगा। बस कुछ नहीं, एक फ़ोटो ले लेंगे, बस सोचेंगे ज़िंदगी सफल हो गया। क्योंकि मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, महेंद्र सिंह धोनी भी जो है वो भी हमारे झारखंड से ही है, और मैं भी झारखंड से हूँ, और उनके जो मूवी जो उनका आया था, उनका जो लाइफ स्टोरी है, उनका जब मैंने मूवी देखा था ना, उनसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ था। क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वहीं काम करो, जिसमें आपको पैसन है, जिसमें आपको मज़ा आता है। उन्होंने, आप लोगों को पता होगा कि रेलवे का जॉब भी छोड़ दिया था, रेलवे का जॉब, गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके वो क्रिकेटर बने, और आज इतने बड़े क्रिकेटर बन गए कि आप समझ रहे हो ना, कहीं उनका ऐसा नहीं कि पहचान नहीं, पूरे वर्ल्ड में पहचान है एक कैप्टन के रूप में, अलग ही लेवल का। तो क्या हुआ, अपना पैसन फॉलो किए और सक्सेसफुल भी है। तो इसीलिए मुझे भी देखिए, सरकारी नौकरी का मेरा भी इंटरेस्ट एक शुरू से नहीं था, भले मैं पढ़ाई करता था मजबूरी में, लेकिन मैंने उसी चीज़ को फॉलो किया जो मुझे इंटरेस्ट था, टेक रिलेटेड। मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था वीडियो वगैरह बनाने में, आज देखिए अच्छा खासा चल रहा है यूट्यूब वगैरह, तो इसीलिए इंस्पायर काफ़ी हुआ था। इसीलिए उनसे मिलने का एक अलग ही मेरा ड्रीम है, नेक्स्ट लेवल का ड्रीम है। अगर कोई मिलवा पाओ तो मिला देना, बाकी देखते हैं फ्यूचर में अगर कभी मिलना हुआ, ट्राई तो कर रहे हैं। बाकी चलिए आ गए हैं फाइनली अपने दुकान पे। अहमद जाएगा ना, जा चल, ठीक है।
ये लोग भेज रहे हैं पापा को वहाँ लेकर के, वहाँ आपका आधार ऑफिस, बाकी है मेरा तो काम यहाँ देखते हैं। तो अभी जा रहे हैं दुकान के अंदर, यहाँ शहाबुद्दीन जी आए हैं, ये है वो जो हमारा डिजिटल बोर्ड लगवाए थे, स्मार्ट बोर्ड मैक्स अप वाला। तो अभी काम चल रहा है, इधर देखिए फॉल सीलिंग का काम लगभग हो गया पूरा कंप्लीट, बस अभी इसमें कलर होगा, पुट्टी होगा, पूरा लग चुका है मस्त, अब लग रहा है हाँ दुकान एकदम परफेक्ट बन रहा है। तो अभी शहाबुद्दीन के साथ जो है बहुत ज्यादा मीटिंग चला हम लोग का, आप लोग को मैं और गुड न्यूज देता हूँ आज की इस ब्लॉग पे। हमारे शॉप पे, हमारे दुकान पे एक मिनी स्टोर है, ये दुकान नहीं है, बहुत बड़ा है। तो हमारे शोरूम पे आपको जो है, आप अगर डिजिटल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, कुछ भी काम करना चाहते हैं, चाहे आप यूट्यूब चैनल चलाते हो, आप टीचर हो, आपको लाइव क्लास लेना है, कुछ करना है, सब कुछ प्रोडक्ट मेरे ही शॉप से आपको मिल जाएगा। जैसे कैमरा हो गया, लाइट हो गया, ट्राइपॉड हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप, पीसी, साथ ही साथ स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड वगैरह सब कुछ यहीं से मिल जाएगा ना साहब जी? ऑफ कोर्स सारा चीज, और फिटिंग वगैरह सब कुछ करके देंगे। अगर किसी को स्टूडियो सेटअप करना हो, है ना, तो स्टूडियो सेटअप का भी सारा मटेरियल हम लोग, टोटल स्टूडियो पूरा सेटअप आपको करके दे देगा। अगर आपको यूट्यूब सेटअप बनाना है, जैसे कि लाइटिंग इम्पोर्टेंट है, पीसी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसके बाद पीसी के साथ आप माइक्रोफोन भी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी सारा चीज आपको टोटल ए टू जेड यहीं पे, आपको और कहीं निकलने की जरूरत नहीं है। साथ ही बहुत सारा लोगों को ये भी डाउट रहता है ना, कौन सा डिजिटल बोर्ड अच्छा रहेगा मेरे लिए, कौन सा लाइट अच्छा रहेगा, कौन सा कैमरा अच्छा रहेगा, तो यहाँ पर मनोज भाई आपका बैठा हुआ है, ठीक है, मेरा तो एक्सपीरियंस इस चीज़ में 5 साल का। आपका जिस कैटेगरी का चैनल होगा हम बता देंगे कि आपको कैसा डिजिटल बोर्ड लगाना है, कैसा लाइट होगा, कैसा कैमरा होगा, बाकी फिटिंग वगैरह सब शहाबुद्दीन जी इधर से मैनेज कर लेंगे, और टोटल ए टू जेड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत। इवन की आपको सपोर्ट के लिए भी कोई सपोर्ट के लिए 24/7 है कि जहाँ भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कोई भी परेशानी हो, या फिर आप पैनल लेने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम पैनल लिए या कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सपोर्ट के लिए 24/7 आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, या हमारे बंदा वहाँ पर जो हमारी टीम है वहाँ पर। और ये मेरा शोरूम खोलने का मकसद ही यही था, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड में लोगों को जोड़ना है, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, हम बताएंगे आपको कैसे लेना है, क्या लेना है, नहीं कैसे कैसे क्या करना है, नहीं करना है, इसीलिए दुकान भी मैंने ओपन किया शोरूम। बाकी नंबर वगैरह सब प्रोवाइड हो जाएगा जब ओपन हो जाएगा दुकान, ठीक है, अभी आप लोग बने रहें रेगुलर, ठीक है।